बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां स्थानीय नीति की मांग को लेकर झारखंड बंद बुलाया गया है। कई संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया है। स्थानीय नीति की मांग को लेकर झारखंड बंद बुलाया गया है। झारखंड की राजधानी रांची भी इससे अछूती नहीं है। कई संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। स्थानीय नीति का मुद्दा बजट सत्र के दौरान भी गूंजा लगातार। इसको लेकर विपक्ष ने वेल में जाकर विरोध प्रदर्शन किया, कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया, कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। और अब स्थानीय नीति की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है। जेवीएम ने 15 अप्रैल से चक्का जाम की चेतावनी दी है, झारखंड बंद की चेतावनी दी है, और झारखंड का जो खनिज है उसको बाहर नहीं ले जाने की भी बात पर अड़ा हुआ है जेवीएम। और भी बहुत सारे दल हैं जो इसी तरह की मांग कर रहे हैं कि झारखंड बने 15 साल हो गए लेकिन आज भी स्थानीय नीति का लागू नहीं होना यहां के वासिंदों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष सिन्हा रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, एक बड़ा मसला जो विधानसभा से लेकर राजनीतिक गलियारों तक गूंज रहा है, स्थानीय नीति का मसला, आखिरकार इसका निदान कब तक निकलेगा? जी राहुल, ये पिछले 15 वर्षों का एक कहे कि एक दर्द है कि झारखंड के लोगों को आज तक स्थानीय नीति जो उनके मांग थी काफ़ी लंबे समय से, इसी को लेकर के झारखंड अलग भी हुआ था कि यहाँ जब झारखंड अलग होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ से विस्थापन रुकेगा, पलायन रुकेगा, ये सारी बात थी जिसको लेकर के स्थानीय नीति की इन लोगों की काफ़ी लंबे समय से मांग थी। और पिछले दिनों जिस तरह से बजट सत्र में आपने देखा भी होगा और जी मीडिया के माध्यम से हमने भी दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से इसको लेकर के राजनीतिक दल के लोग भी जो है अब एक कह रहे हैं कि लामबद्ध हो रहे हैं, विपक्षी जितने भी हैं वो इसको लेकर के कहा जाए कि लगभग 5 दिनों तक जो है सदन को पूरी तरह से जो बाधित रखा, कोई भी जनहित के मुद्दे नहीं आ पाए। तो कहीं और आज की जो बंदी है ये जो है खतियान के आधार पर अब स्थानीय नीति की घोषणा राज्य सरकार करे, इसकी मांग को लेकर के आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के द्वारा यह बंद का आयोजन किया गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने भी जो है अपने जो एक कार्यकर्ताओं के आह्वान किया है और सरकार को भी एक अल्टीमेटम देने दिया है कि 15 अप्रैल तक वो स्थानीय नीति की घोषणा कर दे। अगर इसके 15 अप्रैल तक स्थानीय नीति की घोषणा नहीं करती है तो यहाँ आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। इसका अर्थ है कि राजधानी झारखंड से जो है मिनरल्स जो भी अयस्क है, चाहे लोहा हो, कोयला हो, या और भी यूरेनियम हो, या और भी अन्य अयस्क है, वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। जब झारखंड आंदोलन चला था उसमें भी इस तरह की बातें देखने को मिलती थी कि जो है आर्थिक नाकेबंदी की जाती और लोग इसमें बढ़ चढ़ के जो झारखंडवासी हिस्सा लेते थे। तो और एक बार फिर ये मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है आशुतोष, और इसको हवा दे रहा है जेवीएम, जेएमएम, और जैसा कि आपने बताया आदिवासी जो जन विकास मोर्चा और तमाम लोग हैं। अब देखना ये है कि इसका नतीजा क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रांची से जुड़ने के लिए, और स्थानीय नीति को लेकर बुलाए गए बंद की खबर की बात करने के लिए। तो झारखंड में स्थानीय नीति की मांग को लेकर उबाल देखने को मिल रहा है और आज इसको लेकर झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। बढ़ेंगे आगे। इधर दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अमित शाह की नई टीम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बिहार से बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव की अमित शाह की नई टीम में वापसी हो सकती है, उन्हें शामिल किया जा सकता है टीम में, इसकी तैयारी भी चल रही है। आपको बता दें कि अमित शाह की नई टीम का ऐलान आज हो सकता है। बीजेपी की कार्यकारिणी की आज बैठक है, दूसरा दिन है आज बीजेपी कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का नई दिल्ली में। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की नई टीम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बिहार बीजेपी से नंदकिशोर यादव को भी कमान सौंपी जा सकती है। जी मीडिया संवाददाता ब्रिजमोहन पांडे हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रिजम, काफी अहम मानी जा रही है बैठक, और साथ ही बिहार से क्या कुछ भूमिका होगी नेताओं की, इसको लेकर भी फिलहाल काफी सस्पेंस बरकरार है। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का इंतजार तमाम लोगों को था, क्योंकि अभी तक दूसरी बार जब अमित शाह अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो इनकी टीम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जा रही है
वो पुरानी टीम के साथ आयोजित की जा रही है। तो संभवतः है कि उस इस बैठक में तमाम नाम चयनित कर लिए जाएंगे। हालांकि अभी उपाध्यक्ष के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रेणु देवी हैं और रजनीश कुमार सचिव के पद पर हैं और महासचिव के पद पर रविशंकर प्रसाद हैं जो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। तो ये और महासचिव का पद रिक्त है। तो ऐसे हालात में बिहार के कोटे में से यदि कोई एक नाम बड़ा चेहरा जो जा सकता है वो नंदकिशोर यादव का हो सकता है। नंदकिशोर यादव को लेकर तमाम अटकलें थी जो लगातार चल रही थी, लेकिन अब अटकलों का दौर समाप्त तो होता हुआ नजर आ रहा है। नंदकिशोर यादव को महासचिव पद के लिए चयनित किया जा सकता है। नंदकिशोर यादव लगातार विपक्ष के नेता रहे हैं। दूसरी बार जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो उसमें विपक्ष के नेता थे, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया है। तो ऐसे हालात में उन्हें संगठन का काम दिया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका दिया जा रहा है। तो वजह यही है कि नंदकिशोर यादव का ओहदा बढ़ाने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही है। साथ ही यूपी चुनाव है उसके मद्देनजर ये तमाम फेरबदल किया जा रहा है। इसके अलावा रेणु देवी और रजनीश कुमार की जगह बिल्कुल इंतजार रहेगा इसी बात का ब्रजम के आगे क्या कुछ जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है बिहार के नेताओं को। फिलहाल तो बैठक चलेगी, दूसरा दिन है आज कार्यकारिणी की राष्ट्रीय बैठक का। देखते हैं इसमें बिहार के कौन से नेताओं को जिम्मेदारी इस बार केंद्रीय आलाकमान की तरफ से बीजेपी की तरफ से दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान अलग अलग विभागों की ओर से बांटे गए गिफ्ट्स पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधानमंडल के नेता सुशील मोदी ने अपना गिफ्ट लौटाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे भी अपना गिफ्ट लौटा देंगे। दरअसल शुक्रवार को शिक्षा विभाग की ओर से करीब 30 लाख रुपए के माइक्रोवेव ओवन दोनों सदनों के विधायकों और विधान पार्षदों के बीच बांटे गए थे, जबकि पशुपालन विभाग की ओर से 35 लाख रुपए के ट्रॉली बैग बांटे गए थे और पथ निर्माण विभाग की तरफ से सदन के दोनों सदस्यों को सदन के जितने भी चाहे विधान सभा की बात की जाए या विधान परिषद की दोनों ओर के सदस्यों को स्मार्टफोन दिए गए थे, जबकि नगर विकास विभाग की ओर से घड़ी बांटी गई थी। मैंने और मेरे कुछ सहयोगी श्री मंगल पांडे, डॉक्टर प्रेम कुमार, कुछ अन्य लोगों ने तय किया है कि इन गिफ्ट को हम वापस करेंगे, क्योंकि राज्य में 4 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को आज तक वेतन नहीं मिला, 4-4 महीने का बकाया है और इस माहौल में किसी भी प्रकार का कीमती गिफ्ट लेना ये उचित नहीं है और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग इसको वापस करेंगे। और शिक्षा विभाग के अंदर आज निश्चित रूप से राशि की दिक्कत है, राज्य के सरकार के अंदर आज यह परेशानी है कि वह अपने शिक्षकों का वेतन नहीं दे पा रही है और जब शिक्षकों को वेतन नहीं दे रही है तो उपहार देते समय निश्चित रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए था। जो शिक्षा विभाग की तरफ से उपहार दिया गया है हमने तय किया है कि उस उपहार को हम सरकार को वापस कर देंगे। बिहार में बजट की राशि पर सीएजी रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार को बजट का अनुमान तक नहीं है, 44,000 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए गए। वहीं जेडीयू ने कहा है कि सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा जिस पर बहस होगी। पूरे आंकड़े को देखने से ये लगता है कि सरकार अपने ही बजट का आकलन सही नहीं कर पाई और साथ ही साथ जो सीएजी के लिए जो सबसे चौंकाने वाले 2-3 जो चीज़ें हैं कि सरकार ने टैक्स का कलेक्शन भी सही ढंग से नहीं किया। एक तरफ नीतीश कुमार लगातार बिहार के गरीबी की चर्चा कर रहे हैं, बिहार के विशेष राज्य दर्जा की मांग कर रहे हैं और एक और अपने ही राज्य में कर के टैक्स का जो सही कलेक्शन होता है, सीएजी ने माना है कि 99% गलत रिपोर्टिंग के आधार पर कर का टैक्स का वसूली किया गया, यानी अगर आप सही आकलन किए होते तो इससे कहीं अधिक राजस्व का फायदा होता। भारतीय जनता पार्टी को अपने शासन के जो राज्य हैं वहाँ सीएजी की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं वो भी देख लेना चाहिए और सीएजी की टिप्पणियों को एक संवैधानिक संस्था की टिप्पणी के तौर पर हम लोग लेते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। सीएजी की जो भी आपत्तियाँ हैं उसकी एक विधायी प्रक्रिया है, वो हाउस में टेबल होगा और उस पर बराबर यह परंपरा है कि प्रतिपक्ष से उस समिति के सभापति होते रहे हैं, तो वो विधानमंडल में
जब वो टेबल होने के बाद उस पर उन आपत्तियों पर जब विचार होगा तब आधिकारिक तौर पर स्थितियां स्पष्ट होंगी।